आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज सच्चाई का दर्पण। चोरी के मामले में रिश्वत लेते डिप्टी रेंजर रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट के वारसनी तहसील में जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एक डिप्टी रेंजर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मामले में डिप्टी रेंजर ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। हमारे फरियादी है राकेश बिसेन, इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 517 थाना वारासीनी में फॉरेस्ट वाले द्वारा तार चोरी के संबंध में कराया गया था, जिसका कोर्ट से नेशनल लोक अदालत में समझौता हेतु दोनों पक्ष को नोटिस दिया गया था। तो इसमें समझौते के लिए पदस्थ डिप्टी रेंजर है गोविंद वासनी, इनके द्वारा हमारे फरियादी से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। वो 10,000 रुपये लेते हुए आज हमने रंगे हाथों पकड़ा है। जिसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आज लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई कर रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अन्य युवक ने भी डिप्टी रेंजर पर फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने का हवाला देकर 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। मामले में लोकायुक्त पुलिस डीएसपी दिलीप छरबड़े ने बताया कि पीड़ित राकेश बिसेन पर तार चोरी के मामले में फॉरेस्ट विभाग ने पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसका प्रकरण वर्तमान में अदालत में जारी है। तो वहीं लोक अदालत में इस प्रकरण पर समझौता किया जाना था, जिस पर समझौता कराने की बात को लेकर लापता प्रोजेक्ट परियोजना में पदस्थ डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक के द्वारा राकेश बिसेन से 10,000 रुपए की मांग की गई थी। वहीं रिश्वत के बाद आज लोकायुक्त पुलिस ने डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। इसके अलावा मामले में मीडिया से चर्चा के दौरान एक अन्य पीड़ित सुरेंद्र पटले ने भी डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक पर फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने का हवाला देकर 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। वहीं सुरेंद्र पटले ने बताया कि डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक ने उसे फॉरेस्ट विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में लोकायुक्त पुलिस ने डिप्टी रेंजर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। खबर भारत न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। हम गोविंद वासनिक को 1,25,000 रुपए दिए थे फॉरेस्ट में नौकरी के लिए, इन्हें नौकरी भी नहीं लगाया और न पैसे दिए। कब दिए थे आपने? 2012 में सर। किसको दिए थे, किसके लिए दिए थे? फॉरेस्ट में नौकरी के लिए दिए थे। इसकी शिकायत किसी को किए थे अभी तक? नहीं, इनको बोले पैसे के लिए, तो पैसे इन्हें बोले कि काय के पैसे, उल्टी धमकी मारे हम लोगों को। क्या बात हुई थी आपसे नौकरी लगाने के लिए? बोले 15 दिन में ऑर्डर आ जाएगा आपका, पैसा दो आप लोग 3 लाख रुपए। हमने 1,25 दिया था इनको, यहाँ यही रेस्ट हाउस में दिया था आकर के। हमारे खेत किनारे जाली लगी थी कार की, तो उनको हमने कार्ड दिए थे गलती से। हमने इसकी जो भी है पनिशमेंट माफ़ी भी मांग ली थी, कोर्ट में अपना फैसला चल रहा था। तो उस बीच में 2017 से चालू था हमारा फैसला, तो कोर्ट का निर्देश आया, बोले राजीनामा कर लो, बोले अभी 21 को शनिवार को 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत लगी थी। तो हमने बोला ठीक है, वासनिक सर ने FIR की थी हमारे नाम से, तो वो मांग रहे थे रिश्वत हमारे से। कितना मांग रहे थे? 10,000 रुपये मांग रहे थे। बोले केस रफा दफा कर दूंगा। हमने बोले किस बात पे हम दे 10,000 रुपये नहीं दे सकते आपको? तो नहीं, बोले देना ही पड़ेगा, बोले हम केस आपका रफा दफा कर देंगे, बोले। तो हमने फिर कार्रवाई की, हमने बोले हम नहीं दे सकते। फिर जबलपुर टीम से हमने कार्रवाई की और उनको नरोड़ी के लुक्कू टोला से हमने गिरफ्तार किए। किसके द्वारा?